अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज ट्वेल्व सॉल्व करेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज ट्वेल्व सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं फोर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक द करेक्ट आंसर फर्स्ट एम सी क्यूज है अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी विद मयरमेंट ए सी थ्री सेंटीमीटर मयरमेंट बी सी फोर सेंटीमीटर मेयरमेंट ऑफ एंगल सी नाइन्टी डिग्री रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी ऑप्शन है टू सेंटीमीटर सी ऑप्शन है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल ए बी सी चूंकि एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल वर्टेक्स सी पे है तो मयरमेंट ऑफ ए सी परपेंडिकुलर होगा जो कि थ्री सेंटीमीटर है मयरमेंट ऑफ बी सी बेस होगी जो कि फोर सेंटीमीटर है हाई इसका हम फाइंड करेंगे और हाई की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ द सर्कल होगी हाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पेथोग्रस थ्यूरम अप्लाई करेंगे हाई पोटिनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करेंगे तो थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यूज हैं परपेंडिकुलर और बेस की इनके स्क्स का सम करें तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हाई की वैल्यू फाइव सेंटीमीटर आएगी अब यहां पे रेडियस पूछा गया है तो रेडियस डायामीटर का हाफ होता है तो डायामीटर फाइव सेंटीमीटर है इस सर्कल का तो रेडियस फाइव का हाफ करें तो टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आएगा तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी सेकेंड एमसी क्यूज है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब एंगल्स स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी देन ए ऑप्शन है मैयरमेंट ऑफ एंगल वन इज़ इक्वल टू मैरमेंट ऑफ एंगल टू बी ऑप्शन है मैयरमेंट ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू टू टाइम्स मैयरमेंट ऑफ एंगल टू सी ऑप्शन है मैयरमेंट ऑफ एंगल टू इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स मैयरमेंट ऑफ एंगल वन और डी ऑप्शन है मैयरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू टू टाइम्स मैयरमेंट ऑफ एंगल वन अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में गिवन है कि स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी जब हम ए बी आर्क पे स्टैंड कर रहे हैं तो आपको फिगर में वादे नजर आ रहा होगा एंगल टू सेंट्रल एंगल है और एंगल वन सर्कम एंगल है और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है सर्कम एंगल से तो मेयरमेंट ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू टू टाइम्स मयरमेंट ऑफ एंगल वन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी जो कि डी ऑप्शन है थर्ड एमसीक्यूज है इन द एडजेंट फिगर इफ मयरमेंट ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री देन फाइंड मयरमेंट ऑफ एंगल वन एंड मयरमेंट ऑफ एंगल टू ए ऑप्शन में दोनों एंगल्स थर्टी सेवन एंड अ हाफ डिग्री हैं बी ऑप्शन में थर्टी सेवन एंड हाफ डिग्री एंड 75 फाइव डिग्री सी ऑप्शन में 75 फाइव डिग्री एंड थर्टी सेवन एंड हाफ डिग्री और डी ऑप्शन में दोनों एंगल्स 75 फाइव डिग्री हैं अब ये फिगर पे गौर करें तो एंगल थ्री जो है वो सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल हमें गिवन है सेवेंटी फाइव डिग्री और एंगल वन और एंगल टू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो मेजरमेंट ऑफ़ एंगल वन और मेजरमेंट ऑफ़ एंगल टू सेम होगी क्योंकि दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट में हैं तो ये भी हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि टू एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल इन मेजरमेंट तो एंगल वन और एंगल टू दोनों सरकम एंगल्स हैं तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है तो सेंट्रल एंगल यहां पे 75 डिग्री गिवन है तो सरकम एंगल 75 का हाफ करेंगे तो वो 37 एंड हाफ आ जाएगा तो दोनों एंगल्स की मैयरमेंट 37 एंड हाफ डिग्री होगी तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्ट एक्स विल बी ऑप्शन है एंड हाफ डिग्री बी ऑप्शन ट्वेंटी फाइव डिग्री सी ऑप्शन फिफ्टी डिग्री और डी ऑप्शन है सेवेंटी फाइव डिग्री अब ट्वेंटी फाइव डिग्री फिगर में आपको एंगल नजर आ रहा होगा जो सरकम पे बना हुआ है तो ये सरकम एंगल होगा और हमने जो एंगल एक्स फाइंड करना है वो सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है तो सरकम एंगल ट्वेंटी फाइव डिग्री है तो एंगल एक्स की वैल्यू 50 डिग्री होगी जो कि सी ऑप्शन में लिखी हुई है तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी नेक्स्ट एमसीक्यूज है गिवन ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्ट वाई विल बी अब हमने एंगल वाई की मेजरमेंट बतानी है ए ऑप्शन है 12 एंड हाफ डिग्री बी ऑप्शन है 25 डिग्री सी ऑप्शन है 50 डिग्री और डी ऑप्शन है 75 डिग्री अब यहां पे स्टूडेंट्स फिर 25 डिग्री सरकम पे है एंगल तो ये सरकम एंगल होगा अब एंगल एक्स आपको फिगर में नजर आ रहा है एंगल एक्स 50 हो जाएगा चूंकि एंगल एक्स सेंट्रल एंगल है तो वो सर्कम एंगल का डबल हो गया अब हमने एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंगल वाई भी सरकम पे बना हुआ है तो ये भी सरकम एंगल है तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है तो सेंट्रल एंगल 50 डिग्री निकला तो लिहाजा एंगल Y 25 डिग्री होगा तो इसकी figure, a, B ऑप्शन करेक्ट होगी नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एन इज अस्ट्रेट लाइन द ऑप्टूस एंगल ए सी इज इक्वल टू एक्स इज ए ऑप्शन है 32 डिग्री बी ऑप्शन 64 डिग्री सी ऑप्शन 96 डिग्री एंड डी ऑप्शन इज 128 डिग्री अब स्टूडेंट्स गौर करें एंगल बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं चूंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि ए बी एन इज स्ट्रेट लाइन अब 64 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से 64 माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो वैल्यू 116 डिग्री आ जाएगी तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 116 डिग्री अब सेंटर पे जो 2b लिखा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करें तो 116 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2b जो एंगल है वो 232 डिग्री आ जाएगा अब एंगल टू बी और एंगल एक्स को ऐड करें तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो 360 डिग्री के इक्वल होता है तो 360 डिग्री में से 2B यानी 232 डिग्री को, को माइनस कर देंगे तो एंगल X की वैल्यू आ जाएगी तो वो वैल्यू 128 डिग्री आएगी तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द फिगर O is the center of the circle, then the angle X is. अब फिगर में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा कि एंगल X सर्कम एंगल है अब इस सर्कम एंगल का सेंट्रल एंगल गिवन नहीं है तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 110 डिग्री को माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से तो वैल्यू हमारे पास 250 डिग्री आ जाएगी अब सेंट्रल एंगल 250 डिग्री है जिसका सर्कम एंगल एक्स बनेगा तो सरकम एंगल 250 डिग्री का हाफ होगा तो एक्स की वैल्यू 125 डिग्री आ जाएगी तो इस एमसीक्यूज क्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट एमसीक्यूज क्यूज इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज अब जो फिगर बनी हुई है उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जो कि जो साइंस तीन साइड्स पे लगे हुए हैं उससे वादे पता चल रहा है कि है अब के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा यहां पे वो 60 डिग्री होगा हमने एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सरकम एंगल है तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होगा तो x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल x इज अब इस फिगर में जो एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है वो आइसोसलिस ट्राइंगल है क्योंकि सेंटर से सरकम के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है तो बेस पे एंगल थर्टी डिग्री है तो इसी ट्राइंगल की दूसरी साइड पे बेस पे जो एंगल बनेगा वो भी थर्टी डिग्री होगा क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं अब इन दोनों इक्वल एंगल्स का सम सिक्सटी डिग्री आएगा तो इस ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है उसकी मेजरमेंट वन ट्वेंटी डिग्री होगी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम वन एटी डिग्री होता है 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करें तो सेंट्रल एंगल हमें 120 डिग्री मिलेगा अब एक्स एंगल जो है वो सरकम एंगल है तो सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है तो 120 का हाफ करें तो 60 डिग्री आएगा तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो इस एम की डी ऑप्शन करेक्ट है लास्ट एम इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज अब एंगल एक्स फिगर को आप देखें तो वादे पता चल रहा है कि सेंट्रल एंगल है अब सरकम एंगल जो कि एंगल सी होगा इस फिगर में वो एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सी से ओ तक आप लाइन ड्रॉ करें तो सी ओ ड्रॉ करने से दो आइसोसलेस ट्रा एंगल्स बन जाएंगी ओ ए सी और ओ बी सी अब एंगल ओ ए सी ट्वेंटी डिग्री गिवन है तो एंगल ओ सी ए भी ट्वेंटी डिग्री होगा इसी तरह एंगल ओ बी सी थर्टी डिग्री गिवन है तो एंगल ओ सी बी भी थर्टी डिग्री होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हम फाइंड करें तो ट्वेंटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री तो एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी और एंगल एक्स चूंकि सेंट्रल एंगल है सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है एंगल सी 50 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू 100 डिग्री होगी तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसलीनियस एक्सरसाइज 12 के एमसीक्यू सॉल्व किए इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़